आप देख रहे हैं अलकलम एजुकेशनल चैनल, यू आर वाचिंग अलकलम एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें गेस्ट चाहिए थे, तो आज की हमारी वीडियो है असूल बैंकारी आईकॉम पार्ट टू के गेस्ट के बारे में है, जिसमें हमने आपको लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, उसको इंशाल्लाह आप तैयार कर लेंगे तो एग्जाम्स में पास हो जाएंगे। ये जो मेरे पास गेस्ट है ये उर्दू में, अगर तो किसी स्टूडेंट को इंग्लिश में चाहिए तो वो हमें कमेंट्स करें, ठीक है। तो आ जाए स्टार्ट करते हैं अपने टाइम को ज़ाया किए बगैर। क्वेश्चन आपको साथ साथ दिखाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बैंक के इंतकाब पर नोट लिखें, ये बहुत ही दफ़ा आया होगा और इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। दूसरा सवाल है किसी मुल्क की माशी तरक्की में बैंक के किरदार पर रोशनी डालें, ठीक है। तीसरा है हुंडी के फ़ायद बयान के, हुंडी से मुराद है बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर आपने अकाउंटिंग में किया होगा तो पता चल ही गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास है मरकजी बैंक के एम प्राइस बयान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास मरकजी बैंक या तजारती बैंक दोनों में से एक सवाल लाजमी आता है, और बास का तो दोनों ही फ़राइज़ देते हैं, मरकजी बैंक की भी दे देते हैं और तजारती बैंक की भी दे देते हैं, इसलिए इसको जितना अच्छा आप याद कर सकते हैं कर लें। अगला सवाल है ज़ेरा मुबादला की तारीफ़ करें और इसकी अहमियत की वजाहत करें, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आपको बता दें ये क्वेश्चन तो मैंने लिख दी है, अगर किसी स्टूडेंट को उसका जवाब नहीं पता चल रहा होगा तो वो भी हमें कमेंट्स करें, तो हम आपको पेज नंबर वगैरह बता देंगे जिसके आपको तैयारी हो जाएगी आसानी करने में, ठीक है। उसके बाद है बैंक के खाताधार के फ़ायदे बयान करें, कि जो लोग बैंक में अकाउंट्स करवाते हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए तजारती बैंक के अहम प्राइस लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेक की खसूसियात बयान करें, ठीक है। उसके बाद है मरकजी बैंक हिसाब के तौर पर कैसे काम करता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे इंग्लिश में आप क्लियरिंग हाउस कहते हैं। दसवें सवाल पर आ जाए बरूनी अदायगी के मुख्तलिफ तरीके तफसील से बयान करें, ये आपका लास्ट चैप्टर है जिसे आप फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, उसमें से भी सवाल आपको आता है। उसके बाद है यारवा बैंक चेक क्यों मुस्तरद करता है, इसकी वजाहत करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर क्वेश्चन में आता है कि आपकी बुक में अगर चेक के मुस्तरद होने की वजहत, ये सेम ही है, हिसाब करके पॉइंट बयान करें, ठीक है। ये और जो मैंने आपको ऊपर बताया कि मरकजी बैंक हिसाब करके तौर पर काम करता है, ये भी तकरीबन सेम ही है। पाकिस्तान में सूदी निज़ाम बैंकारी के निज़ाम पर नोट लिखे, ये भी आपका लास्ट चैप्टर में है। उसके बाद है एटीएम मशीन के इस्तेमाल और फ़ायदे बयान करें, ये भी आपका चैप्टर में मौजूद है, बहुत ही आसान है। इस्लामी बैंक के लिए जो इकदाम हुकूमत के लिए हैं, हुकूमत ने किए, इस पर नोट लिखे, ये भी को क्वेश्चन आ जाता है। बास का बैंक के मुख्तलिफ खातों का तारुफ बयान करें, इसका सवाल है कार्ड्स, कार्ड से मुराद है जिसमें बचत खाता है, मुद्दी खाता है और चिल्लत खाता है, तो ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं जिसमें खसूसियात भी है। उसके बाद है 17 पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का माशी तरक्की में किरदार लिखें, ये भी क्वेश्चन बहुत अहम है। यहाँ पर आ जाए तजारती और मरकजी बैंक में फ़र्क बयान करें, ये तो आपको ईजी मिल जाएगा अगर आपने दोनों के फ्राइज कर लिए, तो ये तो ईजी है। जेब वादा से क्या, जेबी पॉलिसी से क्या मुराद है, इसके मकासद पर नोट लिखे, वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक में खाता कैसे खोला जाता है वजाहत करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह ये 20 क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लें लॉन्ग में, तो आपके जो है एग्जाम्स में 6 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि मेन जो आपका है ना वो शॉर्ट और एमसीक्यूज़ है। मेन आपका क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज़ है। अगर आप इन दोनों को तैयार कर लेते तो 51 मार्क्स तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो 51 मार्क्स आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। बाकी जो है 3 सवाल आपने अटैम्प्ट करने हैं, 5 आने हैं, 5 में से आपने 3 करने हैं और 1 सवाल आपका 8 नंबर का है, तो 24 नंबर के वो मार्क्स हैं और ये आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, इसलिए आपने शॉर्टर एमसीक्यूज पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। एक तरीका ये है कि आप ये 20 क्वेश्चन जो है याद कर लें, इंशाल्लाह तो इसमें से पेपर आपका हो जाएगा, लेकिन बहुत लोग कहते हैं 20 इतने ज़्यादा कैसे करें। दूसरा तरीका है कि आप 1 से 7 चैप्टर याद कर लें, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं तो वो भी आप तैयार कर लेंगे तो भी आपका पेपर हो जाएगा, इस तरह भी तैयार करेंगे तब भी आपका पेपर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, गुजरा वाला हो या लाहौर पोर्ट है, पेपर का पैटर्न तकरीबन क्वेश्चन वही हैं, चीज़ें वही हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हैं, और जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में चाहिए वो हमें कमेंट्स करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि नीचे और साथ नीचे देखिए बेल आइकन पर क्लिक करें, जब भी नई वीडियो आप इसकी नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों में शेयर करें और पेपरों की तैयारी करें पॉजिटिव थिंक के साथ, ठीक है, टेंशन के साथ नहीं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।